हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी डीके बलोच एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डीके पेर आ गया ओमान मस्कत में, और ओमान में आए और व्लॉग नहीं बनाए तो ओमान हाय क्यों। तो मुझे 4-5 दिन हो गए ओमान में लेकिन व्लॉग नहीं बना पाया, तो आज मैंने सोचा एक व्लॉग क्यों ना बनाएं। तो अभी निकल पड़े हैं सिटी सेंटर की तरफ, जो मस्कत में सिर्फ यही रह गया है घूमने को, और कुछ जगह है ही नहीं। सिटी सेंटर जा रहे हैं, वहीं देखेंगे क्या होगा। कुछ काम भी है वहाँ पे और लिटिल बिट शॉपिंग भी करना है मैंने, तो देखते रहिए। अब थोड़ा मेरा चेहरा भी नूरानी हो गया, क्योंकि पार्किंग में सारे ट्यूबलाइट जल रहे थे, फिर रोड पे तो वो येलो येलो वाले लाइट जल रहे थे 100 वाट के। यहाँ पे नूरानी चेहरे नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, ये इन लाइटों की वजह से। मेरा चेहरा इतना नूरानी नहीं है, खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो कुल मिला के बात ये हुई, हम पहुँच गए सिटी सेंटर, अभी पार्किंग में हैं, तो अभी जाएंगे अंदर और आप लोगों को देखेंगे। हाँ तो भाई, महंगाई बहुत है यहाँ पे, मतलब किसी भी चीज़ को हाथ लगाओ 30-40-50 रियाल कम से कम। और आप लोग सोच रहे होंगे 30-40 रियाल बहुत कम है, बेटा 1 रियाल इज इक्वल टू पाकिस्तानी 370 रुपीज़, ये बात भी याद रख लो। हाँ तो भाई, ज़्यादातर लोग मॉल में आते हैं या फिर वॉशरूम की तरफ जाते हैं या फिर जाते हैं फूड कोर्ट की तरफ। तो जो लोग खा के आते हैं वो वॉशरूम की तरफ जाते हैं, जो लोग भूखे पेट आते हैं वो जाते हैं फूड कोर्ट की तरफ। तो अभी जा रहे हैं मैक्स में शॉपिंग करने, वैसे मैक्स लिखा हुआ है लेकिन अरब लोग इनको मैक्स बोलते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर कोई 90% सेल लगा हुआ है तो जाके ले लेंगे, नहीं तो फिर वापसी घर। कैसा लग रहा है भाई? लेकिन ये अजीब लग रहा है, एक ले लो दूसरा फ्री, लेकिन फ्री इस शर्ट पे देंगे कि ऐसे ही पहनोगे फिर, वरना फ्री में नहीं मिलेगा। ये तो ले तो लिया है, मगर इसको निकालेगा अब कौन ये चीज़। तो भाई ये सब ले लिए, अभी जाके ट्राई करूँगा, कैसे देखेंगे, आप लोग भी देखते रहिए। तो तेरे भाई ने कर लिया शॉपिंग, मतलब 1000 टी शर्ट रखे थे, सेल लगी थी 20-70%, उसमें छांटी करके निकाला मैंने ये सब। सिटी सेंटर आए और शॉपिंग नहीं किया तो सिटी सेंटर आए क्यों? सारे पैसे तो शॉपिंग के थे, मतलब जल्दी कैलकुलेटर निकालो, 50 मल्टीप्लाई बाई 365, कमेंट्स में बता दो कितने का शॉपिंग मैंने किया। तो भाई ने कर ली मैक्स से शॉपिंग, तो अभी कुछ खाएंगे फिर जाएंगे घर। और यहाँ के मॉल इतने सन्नाटा क्यों है यहाँ पे भाई? इस मॉल से तो ज़्यादा हमारे फ्लैट के नीचे चाय का होटल ज़्यादा रश लगा हुआ है, देखते रहिए। हाँ तो भाई, अभी रिसेंटली एक मूवी आई है केदारनाथ, सैफ अली खान की इकलौती साहिबजादी बेटी सारा अली खान की। तो अभी जा रहे हैं टिकट पूछने कब लगने वाली है मूवी, हमने भी तो देखना है सारा अली खान की एक्टिंग। तो चलते बनिए, देखते रहिए। मॉल में जब लोग आते हैं शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग के बाद कुछ खाने का दिल करता है, और मॉल में आए और कुछ खाया नहीं तो मॉल आए क्यों? तो अभी ऑर्डर दे रहा हूँ पास्ता एंड वेज कॉम्बो, यहाँ लिखा हुआ तो वेजेज है लेकिन इसको इंग्लिश में वेज पढ़ते हैं वेज, तो अभी देखते कैसे बनाएगा। हाँ भाई, तो माल रेडी है। एक मैं आपको लोगों को मशवरा दे दूँ,
अगर कभी गलती से आपका मस्कत में चक्कर लगा और सिटी सेंटर आए, कभी किसी ने गलती से ले आया, तो ये पास्ता ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही डिलीशियस, मज़ेदार। ओह राबिया जान निकल जाती है, खाते रहिए। हाँ तो भाई, अभी अभी न्यूज़ में आ रहा है कि सिटी सेंटर में फूड कोर्ट में एक धमाका हुआ है, जिसकी वजह से सारे पास्ता गायब, मायनीज थोड़े रह गए और पेप्सी भी ख़त्म होने वाला है। तो भाई शॉपिंग हो गई, सिटी सेंटर से वापस जा रहे हैं घर की तरफ। और अभी एक दोस्त ने मैसेज किया कि यार तुम मस्कत में हो, वापसी जब आओगे मेरे लिए मोबाइल फ़ोन लाना। तो इसी टाइम मेरे डायरेक्ट दिमाग में आया कि थैंक यू PM इमरान खान साहब कि तुमने मोबाइल पे पाबंदी लगाया, बाहर मुल्क से कोई मोबाइल नहीं ला सकता। इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी। मैंने उसको मैसेज डायरेक्ट फॉरवर्ड किया, मैंने कहा भाई टैक्स भरना है तुमने तो मैं तुम्हारे लिए मोबाइल ला दूँगा। क्या कार है पीछे यार। तो थैंक यू इमरान खान, थैंक यू सो मच कि मोबाइल पर टैक्स लगाया। और ये भी सुन लो कि बाहर से जो कोई पाकिस्तान जाता है उसको सिर्फ एक मोबाइल रखने की इजाज़त है, उससे ज़्यादा नहीं। तो मोबाइल का ख्वाब छोड़ दो, गरीबों को छोड़ दो। तो मेरी इमरान खान साहब से ये भी अपील है कि परफ्यूम, सुचुकी और बाकी जो अशिया हैं महंगे महंगे, उन पे भी टैक्स लगाए। और बाहर लोग जो लोग विज़िट पे जाते हैं, ओमान, मस्कत, कतर, बहरीन, कहीं भी जाते हैं, वापसी में टेकी पे, गिफ्ट्स पे टैक्स लगना चाहिए, सूचकी पे खासकर लगना चाहिए और परफ्यूम पे भी लगना चाहिए। तो मैं इस चीज़ को तहे दिल से इमरान खान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि ये सारी चीज़ें उसने लगा दी। और मोबाइल फ़ोन का तो बहुत अच्छा किया, बहुत ज़्यादा। भाई बहुत घूम फिर लिया, पैसे भी खर्च किया बहुत सारा, और अभी जा रहे हैं बाहर, देखेंगे और क्या करना है, क्योंकि 20 तारीख को मेरी वापसी है। शॉपिंग वॉपिंग कर लिया, खाना भी खा लिया। अब मैं फील कर रहा था कुछ कमी है मेरे जिस्म में, पता नहीं प्रोटीन की कमी नहीं थी, विटामिन की भी कमी नहीं थी। बाद में पता चला दूध पत्ती चाय नहीं पिया है। तो अभी जा रहे हैं यहाँ का चाय पीने, मसालेदार चाय, इतने बेकार चाय है कसम से। यहाँ ओमान की चाय में लोग मसाला डालते हैं कभी? ये बंगालियों को लटकाना चाहिए जो चाय में मसाला डालते हैं। तो अभी जा रहे हैं हम बगैर मसाला वाला चाय पीने। अरे हमें उसी जगह चाय ममदावार ताशपी। तो मैं कब से मसालादार चाय चिल्ला रहा था और उसने मुझे मसालादार चाय थमा दिया। मतलब चाय में कभी मसाला डालता है यार, ये इंडियन और बंगाली को कौन समझे। खैर मैंने कैंसिल किया, अभी दूसरी जगह आया हूँ चाय लेना, दूध पत्ती, चाय पी के फिर निकलेंगे घर की तरफ, फिर देखेंगे क्या होना है, देखते रहिए। हेलो गाइस, सबसे पहले रात को मैंने काला चश्मा क्यों लगाया? वैसे ही लगा लिया, दिल कर रहा था अपना। तुम्हें क्या? तो मैं ये कह रहा था कि सिटी सेंटर गए, वहाँ पे शॉपिंग किया हमने, खाना भी खाया, लोगों को देखा और लोगों ने हमें भी देखा, लेकिन क्या हुआ, हमने एक दूसरे से बात बिल्कुल भी नहीं की। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को जानते तक नहीं, तो क्यों बात करें, सिर्फ आई कॉन्टेक्ट था। और दूसरी बात यह है कि शॉपिंग अच्छी खासी कर ली वहाँ पढ़ाई। तो बहरहाल इस छोटे से व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर पसंद नहीं आया तो देखा क्यों।